वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगेन मैं आ चुकी हूँ विशालगढ़ फार्म, क्योंकि ये मेरा पर्सनली फेवरेट हो चुका है। काफ़ी अच्छा फार्म है, पिकनिक के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। और मैं सारी डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, लाइक टिकट प्राइस, टाइमिंग, लोकेशन और सारी एक्टिविटी और फूड क्या क्या मिलने वाला, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं और करते हैं फार्म एक्सप्लोर। तो गाइज, आपको बिल्कुल एंट्री पे मिल जाएगा विशालगढ़ का ये बोर्ड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 80+ आपको एक्टिविटीज़ मिलने वाली है अंदर, और मिलने वाला है अनलिमिटेड फूड। और बात करें यहाँ की लोकेशन की, तो लोकेशन होने वाली है टिकली विलेज, गैरतपुर वास, नियर बादशाहपुर सोना रोड, गुड़गांव। तो ये है इसकी लोकेशन, तो आप देख सकते हो। और बाहर ही मिल जाएगी आपको पार्किंग जो होने वाली है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और सामने चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं क्या टिकट प्राइस होने वाला है यहाँ का। सो गाइस, ये होने वाला है यहाँ का टिकट घर, जहाँ से आप अपने टिकट्स ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, देखो बाहर से, तो मैं पास से दिखा देती हूँ थोड़ा सा। टिकट घर है, टिकट ले सकते हो और यहाँ से हो जाएगी आपकी एंट्री। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप गाइस यहाँ पे विशालगढ़ में आप काफ़ी कुछ एक्टिविटी के साथ साथ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, नाइट आउट और कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो गाइस, ये है बैंड जो आपको एंट्री से पहले पहनना पड़ेगा, और ये होने वाली है टिकट्स, तो इसको हम भी पहन लेते हैं। तो अब चलते हैं अंदर, चलो। और यहाँ से होने वाली है एंट्री। टिकट प्राइस की बात करें तो अडल्ट का होने वाला है 1299 रुपीस, और 2.5 फीट से 4 फीट तक के बच्चों का होने वाला है 699 रुपीस, और 2.5 फीट से जो छोटे बच्चे हैं उनको होने वाला है बिल्कुल फ्री। और ये सुबह 9 बजे खुल जाता है फार्म, और शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हो। काफी अच्छा फार्म है, मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि यहाँ पे जरूर आए। सो गाइस, एंट्री करते ही आपको राइट साइड मिल जाएंगे यहाँ पे पिजन वगैरह, देख सकते हो ये फेंटल पिजन है, ये वाइट पिजन है, देखिए मजे आ रहे हैं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और यहाँ देखिए काफी सारे आपको बर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जावा, स्पैरो, ये देखिए ये पीछे छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे। और इधर मिल जाएगी आपको गोट, और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको डक, देख सकते हो कितनी वाइट कलर की है, वो है ब्लैक एंड वाइट। और आगे मिल जाएंगे आपको रैबिट, ये देखिए भाई खाना खा रहे हैं, इनका लंच टाइम हो चुका है। सो गाइस, इस साइड मिल जाएगा आपको पोटरी, और ये है बायोस्कोप जहाँ पे पुराने ज़माने में मूवी वगैरह देखते थे, फोटो वगैरह। और इसके साइड में मिल जाएगा आपको मेहंदी वगैरह लगाने के लिए, मेहंदी लगवा सकते हो यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ से आप ड्रेस लेके ना फोटो शूट भी करवा सकते हो राजस्थानी कपड़े पहन के, और पगड़ी भी पहन सकते हो, यहाँ पर पगड़ी भी होती है। रेडी हो चुकी है मेरी सिस्टर, ओ मजे आ गए, अच्छा लग रहा है।
सो गाइज आज देख सकते हो कितनी भीड़ है और पूरी ट्रिप आई हुई है बच्चों की। यहाँ पे देख सकते हो पीछे देखो कितनी भीड़ है और सारे बच्चे सेल्फी क्लिक करा रहे हैं बाइक्स पे और गाड़ी पे। और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको मिक्की माउस, ये दो मिक्की माउस मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए भाई कितनी भीड़ है आज। सो गाइस यहाँ पे मिल जाएगा आपको पनगट कुआ, तो यहाँ से आप पानी निकाल सकते हो ऊपर जाके। और इसके साइड में मिल जाएंगे आपको मेल्ट डाउन, फिलहाल इसकी हवा निकाल दी गई है। और यहाँ पे आगे मिल जाएगा आपको बंजी ट्रैम्पलिन और आगे मिल जाएगा बुल राइड, बुल वाली एक्टिविटी। सो गाइस अभी हम कुएं से पानी निकालने वाले हैं, जाओ हम भी जाओ। एकदम ठंडा पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी है। सो गाइस अभी मैं करने वाली हूँ ये ट्रेन वाली राइड, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बैठो 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 बैठो, चला दो भैया चला दो। वो स्टार्ट होगी स्टार्ट होगी, चलो 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 घुमा दो तेज भाई। इंजन चालू होने में टाइम लगता है, गर्म होने में। सो गाइस ये तो हाथ से चलाने की होती है, तो भाई वो तो बिजी हो रहे हैं, हम ही खुद हाथ से चला रहे हैं इसको। चलो पीपी सो गाइस यहाँ पे मिल जाएगा आपको राजस्थानी फोक डांस, तो मैं दिखाती हूँ। स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं मैजिक शो थोड़ा सा। सो गाइस यहाँ पे मिल जाएगा आपको कठपुतली का डांस, ओ भाई यहाँ पे तो भूत भी है, देखते हैं इनका डांस।
चुकी फूड कोर्ट में और यहाँ से आप प्लेट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे स्पून है और यहाँ पे मिल जाएगा आपको सैलड, सैलड के बाद नमक वगैरह मिल जाएगा अगर कम हो तो। और यहाँ पे है आलू वगैरह और यहाँ पे मिल जाएगा आपको रायता, ठीक है। उसके बाद है राइस और राइस के बाद मिल जाएगी आपको दाल मखनी, उसके बाद मिल जाएगी आपको मटर पनीर, काफ़ी टेस्टी है। और यहाँ मिक्स वेज, मिक्स वेज के बाद मिल जाएगा आपको कढ़ी पकौड़ा, इसके बाद मिल जाएंगे आपको नूडल्स, नूडल्स के बाद मिल जाएगी आपको चाइनीज़ ग्रेवी और यहाँ पे लास्ट में नान और रोटी ले सकते हो। और ये है पूरा फूड कोर्ट, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया खाने में क्या क्या मिलता है यहाँ पे, तो अभी मैं प्लेट रेडी करती हूँ और फिर टेस्ट भी बताऊँगी आपको कैसा होने वाला है। तो चलिए प्लेट रेडी करते हैं। सो गाइस मैंने अभी अपना लंच ले लिया है, देख सकते हो मैंने लिया है रायता और यहाँ पे राइस, मिक्स वेज है और यहाँ पे मिल जाएगा आपको पनीर और यहाँ पे है दाल मखनी और यहाँ पे सैलड और नूडल्स, कढ़ी पकोड़ा और यहाँ पे है नान रोटी। तो अभी खाती हूँ और टेस्ट बताती हूँ आपको। बयान अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। सो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा चाय पकोड़े जो कि पूरा दिन चलते हैं, सुबह से शाम तक आपको मिलने वाले हैं चाय पकोड़े। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जलेबी और गुलाब जामुन और साथ में मिल जाएंगे आपको पकोड़े। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही बच्चों की। सो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मिलने वाला है आपको देसी खाना लाइक बाजरे खिचड़ी और साग वगैरह, रोटी मक्के की यहाँ पे मिलने वाली है। दिखाती हूँ मैं क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कुछ नहीं तो यहाँ से स्टार्ट है। ये है बाजरे की खिचड़ी, इसके नेक्स्ट है सरसों का साग, काफ़ी गर्म हो रहा है। यहाँ पर मिल जाएगा आपको कढ़ी पकौड़ा और लास्ट में ये लस्सी, और इसमें यहाँ मिल जाएगा आपको चूरमा, काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। तो और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कूड़े, गुलगुले भी बोलते हैं इनको, सब अपनी भाषा में अलग अलग बोलते हैं। गुड़ मिल जाएगा आपको, शक्कर बूरा एंड घी, हरी चटनी एंड लाल चटनी। और उस साइड मिल जाएगा आपको रोटी वगैरह, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको बाहर से जाके। तो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं जिपलाइन के लिए, देख सकते हो हेलमेट वगैरह पहन लिया, हेलमेट पहन ली, अब चलते हैं। तो बताइए भाई कैसा लग रहा है, अभी जिपलाइन स्टार्ट हुई है, अभी आपकी फर्स्ट टाइम? अभी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं है एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, जैसा भी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्रैगन झूला और इसके साथ मिल जाएगा व्हील वाला झूला, तो आप दोनों पे राइड ले सकते हो। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है और एक ये भी स्टार्ट होने वाला है, इसमें राइड लेते हैं, बच्चे भी आ चुके हैं। तो गाइस देख सकते हो कितनी स्पीड में चलता है ये ड्रैगन झूला। तो गाइस अभी मैं राइड चुकी हूँ झूलों में, देखते हैं स्टार्ट होने वाला है, बच्चे आ गए काफ़ी, चला दो भाई जल्दी। मैं तो आपसे बैठ रही हूँ।
गाइस अभी मैं आ गई हूँ यहाँ की कैमल राइड करने, और यहाँ पे आपको दो कैमल मिल जाएंगे जो कि राइड कर रहे हैं, और दो पीछे मिल जाएंगे जो कि बुग्गी वाली राइड कराते हैं। तो अभी हम सिंगल कैमल के ऊपर बैठ के वाली राइड करने वाले हैं, और यहाँ पे भाई बच्चों की भीड़ हो चुकी है, देखो कितने बच्चे हैं। ये दो कैमल हैं जो राइड करा रहे हैं यहाँ पे, और ये ऐसे ऐसे यहाँ तक घुमा के और यहीं पर आपको फिर छोड़ देंगे। भाई थोड़ा लंबा चक्कर झुला दिया। तो गाइस स्टार्ट हो चुकी है कैमल राइड, और ये बहुत छोटा चक्कर झुला रहे हैं। फर्स्ट टाइम बैठी हूँ मैं तो भाई कैमल पे, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? तो गाइस स्टार्ट हो चुकी है ट्रैक्टर राइड, बैठ जाओ थोड़ा हिलता है फिर चढ़वाएंगे। खेल कूद में खेल सकते हो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये देख सकते हो ये बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, और इधर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सब कुछ मिल जाएगा, और उधर मिल जाएगा आपको क्रिकेट, ये देखो क्रिकेट खेल रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऊँट की राइड, जिस पे काफ़ी लोग एक साथ राइड कर सकते हैं। स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, और राइड भी छोटी सी है। मजा आ रहा है आपको? बड़ा है ना कैमल? अभी मैं आ चुकी यहाँ के एक्टिविटी एरिया में, तो यहाँ पे देख सकते हो पीछे काफी सारी आपको एक्टिविटी मिल जाएगी, रॉक कोर्स वगैरह, ब्रिज वगैरह काफी कुछ मिलेगा। तो चलिए करते हैं कि करके स्टार्ट, दो तीन एक्टिविटी मैं भी करके दिखाती हूँ, काफी बच्चे के कितने एक्टिविटी कर रहे हैं। भीड़ हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, बहुत क्राउड आया हुआ है स्कूल का। तो चलिए करते हैं एक एक्टिविटी स्टार्ट। अभी मैं करने वाली ये वाली स्टेज वाली वाली बहुत सारी एक्टिविटी आप कोई से भी कर सकते हो, इजी वाली भी है और टफ वाली भी है, दोनों तरह की है, काफी मजे आ जाएंगे आपको। ये टनल बनाया हुआ है पूरा ड्रम से। सो गाइस आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी कैंटीन, यहाँ से आप कुछ सामान खरीद सकते हैं, खिलौने वगैरह, और चाहे तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले सकते हैं। तो गाइस ये यहाँ का स्विमिंग पूल देख सकते हो, भाई इतने बच्चे नहा लिए कि स्विमिंग पूल आधा हो गया पानी से, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये रेन डांस। ये बस चलो। तो गाइस अभी मैं करने वाली हूँ बास्केट,
है विशालगढ़ का फुल टूर। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं फार्म में जाने के लिए तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे बेस्ट है। और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो ना सब्सक्राइब। तो मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।